इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने दिल्ली सरकार के बहुत सारे काम रोके। लौटने के बाद अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मैं और आतिशी जी कुछ सड़कों का मुआयना करने के लिए निकले। लोगों की शिकायतें आ रही थी कि उनके एरिया की सड़कें खराब हो गई हैं। इन्होंने नॉर्मल सड़कों का मेंटेनेंस जो होता है, रूटीन मेंटेनेंस, वो भी इन लोगों ने बंद करा दिया था। तो हमने देखा कि सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी। तब मैंने आतिशी जी से निवेदन किया था कि विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ सड़कों पर उतर के दिल्ली की सारी जो PWD की सड़कें हैं उनका मुआयना किया जाए और जो जो खराब है उनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। इस बारे में मैंने आतिशी जी को चिट्ठी भी लिखी थी। तो मुझे खुशी है कि इन लोगों ने, सारे हमारे पार्टी के विधायकों ने, लीडर्स ने और मंत्रियों ने सड़क पे उतर के रात दिन वो इंस्पेक्शन किया है और सड़कों का मुआयना किया है और कितनी खराब है, कौन कौन सा काम करने की ज़रूरत है, उस सारी रिपोर्ट एक बनाई है और रिपेयर का काम भी शुरू हो गया, रिपेयर का, रिकारपेटिंग का। तो मैं आतिशी जी से कहूँगा कि एक बारी आपको वो बता दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर, एक झूठे केस में फंसाकर अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने तक जेल में रखा। इस षड्यंत्र का मकसद ही था कि किसी भी तरीके से जो अच्छे काम दिल्ली की सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, उन कामों को रोका जाए। और हमने देखा कि किस तरह पिछले 6 महीने से दिल्ली के आम लोगों के डे टू डे कामों को रोका गया। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में केंद्र सरकार को लताड़ा। अरविंद जी के बेल पे बाहर आने के बाद वो और हम इंस्पेक्शन करने के लिए PWD की कई सड़कों पे गए थे। मुझे उन्होंने एक पत्र भी दिया दिल्ली विधानसभा में PWD की सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस को लेके। उसके बाद से दिल्ली की सरकार तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर PWD की सड़कों को ठीक करने का काम कर रही। एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई जिसके बाद दिल्ली सरकार के सारे मंत्री, सारे विधायकों ने, PWD के सारे इंजीनियर्स ने 1 हफ्ते के समय में दिल्ली की सारी PWD की सड़कों का मुआयना किया। PWD के पास दिल्ली की 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं और कुल मिला के 7000 किलोमीटर का लेन लेंथ इन सड़कों का है। तो 1 हफ्ते के टाइम स्पैन में ये 7000 किलोमीटर की लेन लेंथ की सड़कों का इंस्पेक्शन हुआ और जो सारा डेटा है वो PWD की ऐप पे लोड किया गया। तो प्रॉपर इंस्पेक्शंस ऑनलाइन, हर पॉट होल, हर टूटी हुई सड़क की फोटोज ली गई, उनको अपलोड किया गया। जो इन इंस्पेक्शन से निकल कर आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या है। इस इंस्पेक्शन से 89 रोड्स को पूरी तरह से रिकार्पेटिंग और रीस्ट्रेंथनिंग के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। ये तकरीबन 230 किलोमीटर सड़कें हैं, 1240 किलोमीटर की लेन लेंथ है। इन 89 रोड्स में से 74 का टेंडर कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ही इनका काम, इन 74 सड़कों का शुरू हो जाएगा। 15 सड़कों का टेंडर इन प्रोसेस है और जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा विद इन अ फ्यू वीक्स इन रिमेनिंग 15 सड़कों का भी काम शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पे पूरी सड़क को रिकार्पेट करने की जरूरत नहीं है, पूरी सड़क को बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ पैचेस हैं, कहीं पे 100 मीटर सड़क खराब है, कहीं पे 50 मीटर सड़क खराब है, तो पैचवर्क के लिए 2,53,000 स्क्वायर मीटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है PWD की सड़कों में। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि विद इन द लास्ट वीक इटसेल्फ इसमें से 39,500 स्क्वायर मीटर्स का पैचवर्क
ऑलरेडी हो चुका है और बाकी का हमारा टारगेट है दैट बाय 31 अक्टूबर रिमेनिंग जो पैचवर्क है उसको भी पूरा किया जाएगा। इस इंस्पेक्शन में 6,671 पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें से 3,454 को ऑलरेडी भर दिया गया है और जो रिमेनिंग 3,217 है उनको भी आने वाले कुछ दिनों में रिपेयर कर दिया जाएगा। हमारी एक इंस्पेक्शन में ये भी एक बात निकल के आई कि कई सारी सड़कें डैमेज्ड हैं क्योंकि वहां पे डीएमआरसी का काम चल रहा है, सराय काले खान के एरिया में आरआरटीएस का काम चल रहा है, डिस्कॉम्स ने कई जगह अपनी लाइन्स ले करी हैं, तो जहां जहां पर किसी अन्य एजेंसी के काम के द्वारा की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इन सारी एजेंसीज के साथ हम पीडब्ल्यूडी की मीटिंग करवाएंगे सो दैट जहां पे डीएमआरसी ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत शुरू करवाया जाएगा, जहां पे आरआरटीएस ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत करवाया जाएगा। एक सड़क के बारे में स्पेसिफिकली मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगी और वो है न्यू रोहतक रोड। न्यू रोहतक रोड जो टिकरी बॉर्डर जाती है नांगलोई मेट्रो स्टेशन से मुंडका होते हुए, वो शायद आज के दिन में दिल्ली की सबसे खराब हालत में सड़क है। उसका रीजन ये है कि न्यू रोहतक रोड के इंटीरियर में बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज भी हैं, वहां पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है, सो ओवर टाइम जो वहां से पानी निकल कर आता है उसको अकोमोडेट करने के लिए न्यू रोहतक रोड का जो ड्रेन है उसकी कैपेसिटी कम पड़ रही है। दूसरा, इस साल मॉनसून में तकरीबन नॉर्मल से 2 गुना बारिश हुई है। नॉर्मली मॉनसून में दिल्ली में 600 mm बारिश होती है, इस बार 1,000 mm से भी ज्यादा बारिश हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू रोहतक रोड पे एक नया ड्रेन पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा है। ये ड्रेन नांगलोई मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक होगा, ये 2 पार्ट्स में होगा। नांगलोई मेट्रो स्टेशन से ड्रेन का एक हिस्सा हिरन कुदना ड्रेन में जाएगा और दूसरी तरफ से टिकरी बॉर्डर से ड्रेन का दूसरा हिस्सा भी हिरन कुदना ड्रेन में आएगा। ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि आने वाले समय में न्यू रोहतक रोड पे पानी ना आए और उसकी वजह से सड़क खराब ना हो। इसके लिए 183 करोड़ रुपीस का सैंक्शन पीडब्ल्यूडी ने दिया है फ्राइडे को एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस ड्रेन पर भी काम शुरू हो जाएगा एंड इन पैरेलल न्यू रोहतक रोड की भी रीलेइंग का काम, जहां जहां गड्ढे हैं, जहां पे भी पूरे पैचेस करने हैं, जहां पे कॉन्क्रीटिंग करनी है, उसका काम होगा। अरविंद केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर दिल्ली के जो जो रुके हुए काम हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। सर, मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी अब लगभग 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 9 साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ नहीं आने दी, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो अस्पतालों का वो हो, बिजली हो, हर तरह की सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को देने की कोशिश की। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं आज दिल्ली के लोगों को पिछले 10 साल से मिल रही हैं वो उस किस्म की सुविधाएं पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने, दिल्ली को ठप करने की कोशिश की, दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डीरेल करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। अब मैं बाहर आ गया हूं और जितने भी रुके हुए काम थे और जो जो तकलीफें और समस्याएं लोगों को हैं मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, उन सब की तरफ हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं और आपकी समस्याओं का निवारण करना हमारा फर्ज है। मुझे पता चला है कि दवाइयों की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में, इन लोगों ने दवाइयाँ बंद कर दी, इन लोगों ने अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट होते थे वो बंद कर दिए, इन लोगों ने जो फरिश्ते स्कीम होती थी जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली के अंदर उसको फ्री इलाज होता था वो बंद कर दिया, इन्होंने सड़कों का रिपेयर बंद कर दिया, इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी, इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं, कई होमगार्ड्स की और कई लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी,
वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं, जो जो दिक्कतें जो काम बंद किए गए, आतिशी जी से मैंने कहा है ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी और जो समस्याएं लोगों को हुई इसकी वजह से वो अब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। सर सवाल, सर आज एक और रेड हुई है, आप ही के आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई है। सो ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही जाहिर तौर पे। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जाँच थोड़ी चल रही है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजेंसीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक पार्टी को और उसके नेताओं को ख़त्म करने के ऊपर लगा दिए हैं। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ शक्ति है, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम किस बात से डरेंगे। हरियाणा में भी इलेक्शंस हुए हैं और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, जाहिर तौर पर पूरे देश के अंदर अगर किसी सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक बस ईडी और सीबीआई करेंगे, बदला लेंगे, बदले की कार्रवाई करेंगे, लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे, निर्दोषों को जेल में डालने का काम करेंगे, और केवल अब तो पूरा देश जानता है वो केवल एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, उनका एक दोस्त है उसके लिए काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगा है कि वो भाषण कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं। तो अब वो जो उनका एक पर्दा था वो हटता जा रहा है और लोगों को के सामने सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरह से लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग उनके भ्रष्टाचार से परेशान हैं, अब उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। सर, आपने कहा कि 9 साल आपने अच्छे से काम किया, फिर 6 महीने का एक पैच आया, अब 6 महीने बाकी बचे हैं, लेकिन अब आप चुनाव जीत कर भी आएंगे तो आश्वस्त कर पाएंगे दिल्ली वालों को, क्योंकि आप जनता के बीच तो जा रहे हैं, क्या जनता के दर लगा, लेकिन क्या आश्वस्त कर पाएंगे कि आने के बाद अगर आए जीत के आए तो फिर सारे काम होंगे? अभी भी होने चालू हो गए, बाद के आश्वस्त की तो बाद की बात है, अभी सड़कें होने चालू हो गई, सारे काम आएंगे, कुछ काम अभी पूरे हो जाएंगे, कुछ काम उसके बाद होंगे, कहीं फिर नए काम भी होंगे, सारे काम होंगे। कौन है अनूप पांडे? जगदीप धाकड़ जी को उन्होंने पत्र भी लिखा है, उन्होंने शहरी विकास मंत्री को पत्र भी लिखा है कि वो आवास आपको क्यों दिया गया, तो उनसे पूछ लो, मेरे को क्या पता कौन अनूप पांडे है। तो वो चिट्ठी उन्होंने धनखड़ साहब को लिखी है, धनखड़ साहब जो ठीक समझेंगे वो, तो उनकी चिट्ठी पे मैं कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। जिस रोड का आपने जिक्र किया है रोहतक वाली रोड पे, वहाँ पर मैम आपने खुद ही बताया कि समस्या बहुत बड़ी है और गंभीर समस्या है, लेकिन वहाँ मैं न्यूज़ कवर करने गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि एक दिन की ये समस्या नहीं है, काफी पहले से समस्या चली आ रही है, लोगों में मायूसी और नाराजगी, इसे कैसे दूर करेंगे, चूंकि चुनाव इसको ठीक करा देंगे, पक्का ठीक कराएंगे। चुनाव से पहले मैं समझता हूँ कि ये सड़क जो है ये सिंबल बन गई है एक तरह से खराब सड़क का, और इसको ठीक कराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, मुझे पूरी उम्मीद है इसको चुनाव के पहले ठीक करा लेंगे।
गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममूल पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।